पहले चैप्टर के लिख लो, थियोरिटिकल टॉपिक आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। और इसमें थियोरिटिकल टॉपिक आप कौन कौन से कवर करेंगे, तीन थियोरिटिकल टॉपिक है बेटा इसके अंदर। फर्स्ट थियोरिटिकल टॉपिक है फोटोन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, नंबर वन टॉपिक है फोटोन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, फोटोन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ओके। नंबर टू टॉपिक है मिलिकन और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट्स, मिलिकन एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, मिलिकन एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और फाइनल टॉपिक है डी ब्रॉगली वेव लेंथ, डी ब्रॉगली वेव लेंथ। ये चार थियोरिटिकल टॉपिक हो गए आपके जो आपको पढ़ने हैं इसके ऊपर, ठीक है। वैसे ये चांसेस बड़े कम रहते हैं कि यहाँ से थियोरिटिकल टॉपिक पूछा जाए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि चैप्टर चार ही नंबर का है आप लोगों का, फोर मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। तो हर तरीके का क्वेश्चन हमने इसके अंदर डाल दिया है, आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल क्वेश्चंस का कि भाई कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। करें स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या है हमारे पास में। प्रॉब्लम नंबर वन देखो, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स इज 4950 एंगस्ट्रॉम एंड इट्स पावर इज 1000 वाट, कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नंबर ऑफ टू आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। दो चीज़ें हमें यहाँ निकालनी है, ठीक है। चलिए देखिए दो चीज़ें कैसे निकालते हैं भाई। नंबर वन है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन के एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है ये 1240 अपॉन वेवलेंथ ऑफ फोटोन, लेकिन वेवलेंथ आपको ना नैनोमीटर में रखनी है, काय में रखनी है, तब जाकर आंसर कहीं आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। ये फोटोन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा। 1240 अपॉन लैम्डा आपको रखना है नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में आपको यहाँ लैम्डा दे रखा है, अगर एक जीरो आप यहाँ से हटा दें तो ये नैनोमीटर में आ जाएगा, ये बन जाएगा 495 नैनोमीटर, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे आंसर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये हो गया फर्स्ट आंसर। फोटोन की जो एनर्जी रहने वाली है वो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहने वाली है, 1240 अपॉन 495 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ आ गई बात। ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है, बस इतना ध्यान रखना कि लैम्डा आपको यहाँ नैनोमीटर में रखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में जो इसका सेकंड पार्ट है वो देखिए क्या है। सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है बेटा, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड। अरे यहां ध्यान दो भाई, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड, भाई बल्ब की पावर आपको दे रखी है, बल्ब के अंदर से फोटोन निकलेंगे कुछ इस तरीके से, एक सेकंड में कितने फोटोन निकलेंगे ये बताना है। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, हम आपको बताते हैं। फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन टाइम, ये है फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनटू टाइम अपॉन टाइम, सॉरी, ठीक है। अब आप ये देखिए कि टोटल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं एन इंटू एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, और बात हो रही है पर सेकेंड की, तो टाइम की जगह हम लोगों ने पुट किया वन, ठीक है। सो हमारे पास में निकल गया नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी, इतने फोटोन एक सेकंड में बल्ब के अंदर से बाहर निकल रहे होंगे, इतने फोटोन निकल रहे होंगे। अब बताइए पी की जगह आप क्या रखने वाले हैं, पी की जगह आप क्या रखने वाले हैं, पी की जगह आप रखने वाले हैं 1000, रखा 1000, और ई की जगह आप क्या रखने वाले हैं, ई की रखने वाले हैं आप एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, एनर्जी ऑफ, लेकिन पावर आपकी वॉट में है यानी एसआई यूनिट में है, तो एनर्जी भी आपको एसआई यूनिट में ही रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की एसआई यूनिट नहीं होती, आपको इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, तब यहां रखना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है,
भाई कितने फोटोन एक सेकंड में बाहर निकलेंगे, इसका फॉर्मूला हो गया पावर अपॉन एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, और सिंगल फोटोन की एनर्जी हम इतनी निकाल चुके हैं, तो इसे यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे 1240 डिवाइडेड बाय 495 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -k 90। ठीक है, ये तो हो गई पावर, ये हो गई सिंगल फोटोन की एनर्जी, और हमने उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काहे में कन्वर्ट कर लिया, जूल में डिवाइड करेंगे, इतने फोटोन एमिटेड हो रहे हैं पर सेकेंड। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर दो सवाल दे रखे हैं। ठीक है, एक सेकेंड में कितने फोटोन बाहर निकलेंगे ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। आ गया ना समझ में? ठीक, देखो अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको अभी बताया, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। पढ़ लीजिए एक बार क्या है, पहले ये बताओ कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब समझते हो, क्या होता है मोनोक्रोमेटिक? सिंगल वेवलेंथ लाइट, जिसके अंदर एक ही वेवलेंथ होती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, हमें पावर की जो बल्ब की पावर दे रखी है वो है 66 वॉट और वेवलेंथ हमें दे रखी है 600 नैनोमीटर। सो हमें बताना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय द सोर्स इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में कितने कितने फोटोन निकलने वाले हैं। ठीक है, तो बताओ बेटा पावर का क्या फॉर्मूला है? अरे बताओ पावर का क्या फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम, बताओ है या नहीं है? ठीक है, टोटल एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ फोटोन इंटू सिंगल फोटोन की एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है भाई, ऐसा है, टोटल एनर्जी का मतलब है कि सारे फोटोन्स की एनर्जी को टोटल एनर्जी हम कहेंगे। हमने माना कि टोटल कितने फोटोन निकले टी टाइम में, टी टाइम में इतने फोटोन निकले। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हो गई एन ई अपॉन टी। अब पावर की वैल्यू आपको दे रखी है, इस पी की वैल्यू आपको दे रखी है 66, एन यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, और कैपिटल ई का मतलब है एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, और सिंगल फोटोन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है ये एच सी अपॉन लैम्डा, बताओ है या नहीं है? क्या तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर में रख दो, या ये वाला जर्नल फार्मूला यूज़ कर लो, और टाइम आपको दे रखा है 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब है 2 × 60, हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब बताओ क्या क्या तुम्हें गिवन है और क्या क्या तुम्हें निकालना है। इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है तो अपने हाथ से कैलकुलेशन करेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब H की वैल्यू आपके पास में है, इनकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं 66 × 2 × 60। ठीक है, हमें निकालनी है N की वैल्यू, तो लैम्डा की मल्टीप्लाई यहाँ हो गई और H और C से डिवाइड हो गया। लो भैया कुल मिलाकर टोटल इतने फोटोन बाहर निकलने वाले हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम द सोर्स इन 2 मिनट इज, उनकी वैल्यू इतनी होगी, बताओ लैम्डा कितना होने वाला है हमारे पास में यहाँ 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर को क्या लिखोगे, 10 की पावर -k 9, 600 × 10 की पावर -9, और H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, कितनी है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बोलो, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.6 × 10 की पावर -k 34 जूल सेकंड, और C है लाइट की स्पीड जिसकी वैल्यू है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में कैलकुलेशन थी, यहाँ पर भी कैलकुलेशन ही है, ये दो चैप्टर में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो एन आपका निकल जाएगा कि कुल मिलाकर इतने फोटोन बल्ब के अंदर से निकलने वाले हैं। क्लियर हो गई ना बात? बोलो। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में बेटा, होता क्या है कि हर एक मेटल का एक एनर्जी फिक्स होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फाई। इस फाई का नाम क्या होता है, किसी को याद है? वर्क फंक्शन। क्या होता है? वर्क फंक्शन। ठीक है, फाई का मतलब ये होता है कि अगर हमें इस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कम से कम इतनी एनर्जी तो हमें देनी ही पड़ेगी। बाहर से जो एनर्जी आती है उसे हम बोलते हैं कैपिटल ई। ठीक है, और फाई है हमारे पास में वर्क फंक्शन।
फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए शर्त होती है ये, जो कैपिटल ई होना चाहिए वो वर्क फंक्शन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन है इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए मेटल के सरफेस से। अगर हम चाहते हैं कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो बाहर से आने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? चलिए अब प्रॉब्लम की लैंग्वेज पढ़िए और देखिए क्या कहा गया है आप लोगों को। लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन टू मेटल्स, मेटल ए एंड मेटल बी। Which metal will yield photoelectrons if their work functions are? एक metal का work function इतना है, यानी एक metal से electron निकालने के लिए इतनी energy चाहिए होगी, और अगर दूसरी metal से electron निकालने हैं तो इतनी energy चाहिए होगी। और जो हम इनके ऊपर light डाल रहे हैं उस light की wavelength कितनी है? 3500 angstrom। तो हमें बताना है कि किस metal से electron निकलेगा। तो पहले ये देखते हैं कि जो बाहर से light आएगी उसकी value कितनी होगी। समझ में आ रही बात? बोलो समझ में आ रही बात? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी इतनी एनर्जी चाहिए, मेटल ए से इतनी चाहिए, मेटल बी से इतनी चाहिए। चलो देखते हैं कि जो बाहर से लाइट आ रही है उसकी एनर्जी कितनी होगी। जो बाहर से लाइट आएगी उसकी एनर्जी निकालने का तरीका ये है भाई, अगर हमें एनर्जी निकालनी है जूल में तो हम यूज़ करेंगे एच सी अपॉन लैम्डा या एच एफ का, और अगर एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हम ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। लैम्डा काहे में है? नैनोमीटर में है आपके पास में। कैसे बदलेंगे? एक जीरो हटा देंगे यहाँ से। जब एक जीरो हटाएंगे तो कितना बन जाएगा? 350। बताइए बना या नहीं बना? तो क्या वैल्यू बन गई हमारे पास में? 124 डिवाइडेड बाय 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बोलिए समझ आ रही बात? अब मुझे डिवाइड करके बताइए कि बाहर से आने वाली एनर्जी कितनी है, जल्दी बताइए कितनी है। 3.2 ही है ना, देख लेना भाई एक बार, डिवाइड तुम लोग कर रहे हो। 3.2 लग नहीं रहा वैसे मुझे, हैं 3.5। देखो भाई बाहर से आने वाली एनर्जी इतनी है, अब अगर ए के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इतनी एनर्जी चाहिए। क्या सफिशिएंट एनर्जी है ए के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? नहीं है। अगर B के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इतनी एनर्जी चाहिए, और ये वाली एनर्जी तो इससे तो ज़्यादा ही है, पता है या नहीं है? तो बताओ इलेक्ट्रॉन A के अंदर से निकलेगा या B के अंदर से निकलेगा? A के अंदर से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि A का वर्क फंक्शन ज़्यादा हो गया, यानी उसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हम उसे उतनी नहीं दे पा रहे हैं। और B के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1.9 चाहिए, और उसे हम कितनी दे रहे हैं? 3.5। समझ में आ रही बात? तो B के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाएगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम B से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है। क्लियर? बोलिए शर्त क्या है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, जरा समझिए। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। ठीक है, देखो हुआ क्या, एक मेटल का पीस हमें दे रखा है, अगर इस मेटल के पीस से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हमें करना है, तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रही बात? इस मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू इतनी है। बोलो समझ में आ रही है के बाद? और बाहर से जो वेवलेंथ आ रही है उस वेवलेंथ की वैल्यू है 300 नैनोमीटर। ठीक है, तो आपको ये बताना है, पहले तो यही बता दो कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी रहने वाली है आपको ये बताना है। बोलो समझ में आया क्या? ऐसे सवाल अब आपको खूब मिलने वाले हैं, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपको आगे ऐसे मिलेंगे। तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको, 1-2 का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप कोशिश करिएगा कि खुद से सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, पहले आप देखो बाहर से आने वाली एनर्जी है कितनी, बताओ बेटा बाहर से आने वाली एनर्जी कितनी होगी? बाहर से आने वाली एनर्जी होगी 1240, वेवलेंथ कितनी है बाहर से आने वाली लाइट की? 300। ठीक है, कैंसिल आउट, कितना आएगा जरा डिवाइड करके बताओ? 4.1, यानी जो बाहर से लाइट आ रही है उसकी एनर्जी है 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 4.1 में से इतनी एनर्जी तो सिर्फ यहाँ से यहाँ जाने में खर्च हो जाएगी, बताओ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी?
क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशन ये कहती है कि जो बाहर से एनर्जी आती है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है। कितने पार्ट में ब्रेक होती है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही बात? अब बताओ बाहर से कितनी लाइट आ रही है? 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना है? 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए समझ आया नहीं आया? यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर भागेगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन तो पक्का होने वाला है। मुंद्रम होने वाला है या नहीं होने वाला है? क्यों होने वाला है? किस चीज़ को देखकर तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाला है? किसकी एनर्जी ज़्यादा है? बाहर से जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी ज़्यादा है और वर्क फंक्शन कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहने वाली है? 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमें चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, किसी को याद है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था? आदित्य, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूरा एक्सपेरिमेंट समझाया था मैंने, एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था? जब दूसरी प्लेट को आप नेगेटिव पोटेंशियल दे देते थे तो इलेक्ट्रॉन का वहां पहुंचना बंद हो जाता था और उस प्लेट के पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे। और स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का तरीका ना बहुत आसान है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिनोट करते हैं वी नॉट से। काइनेटिक एनर्जी के अंदर से ई निकाल दो, ई निकाल दो यहां से, क्या बचेगा? 0.9 वोल्ट। ये बन जाएगा वी नॉट और इसे हम नाम देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो वी नॉट इज इक्वल टू 0.9 वोल्ट। बोलिए समझ आया नहीं आया? अरे बोलो। अच्छा मान लो कि आपसे कहा कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर भागेगा उसकी स्पीड भी बताओ कितनी है। अब यार काइनेटिक एनर्जी तो तुमने निकाल ही दी, बताओ निकाली या नहीं निकाली? और निकलकर कौन भाग रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? पहले उसे जूल में बदल लो। 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो तुमने निकाला है ना, पहले इसे जूल में बदल दो। बदल दिया जूल में और फिर इसे इक्वल रख दो हाफ। इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9×10⁻³⁻ और साथ में हो जाएगा क्या? वी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दी, हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकाल दिया और हमने स्पीड भी निकाल दी। ठीक है, बोलो समझ आया नहीं आया? कोई परेशानी है तो बताइए। क्लियर हो गई बात? अब ऐसे ही सवाल आपके पास में ना काफी आने वाले हैं। जैसे कि देखो ये प्रॉब्लम क्या है, देखो बेटा ये प्रॉब्लम क्या है। इफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, यानी जो बाहर से लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ है इतनी, 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। भैया पहले निकलेगी काइनेटिक एनर्जी, फिर उसमें से ई को बाहर निकाल देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बताओ सेजल कितना वर्क फंक्शन है इसका? तुम समझती हो वर्क फंक्शन क्या है? क्या होता है वर्क फंक्शन? निकालने के लिए। ठीक है, अब तो मुझे ये बताओ कि बाहर से जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है नैनोमीटर में? 500। वेरी नाइस। तो बाहर से आने वाली लाइट की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1240 डिवाइडेड बाय 500। बताइए होगी या नहीं होगी? कोई समस्या है तो बताइए। ठीक है, चलिए डिवाइड करके और मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा आपके पास में। कितना आ रहा है भाई? 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी बाहर से आ रही है। ठीक है, अब बताओ आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहती है? बाहर से आने वाली एनर्जी कितने पार्ट में ब्रेक होगी? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बाहर से जो एनर्जी आ रही है वो कितनी है? 2.48। वर्क फंक्शन कितना है? 1.2 प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल गई 2.48 माइनस 1.2। बताओ कितना आंसर आया? 1.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए तो कितना होगा? ई निकाल दो इसके अंदर से, 1.28 वोल्ट। बोलो समझ आया? और अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? इस काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल रखेंगे? लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कहीं बदलना पड़ेगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास रखना पड़ेगा। हमें इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड मिलेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। बोलो समझ आया नहीं आया? ठीक है, हो जाएगा ना?
देखो अब जैसे ये प्रॉब्लम बनी बेटा हमारे पास में, ऐसे सवाल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, ग्राफ वाली प्रॉब्लम के चांसेस। ठीक है, वाई एक्सिस पर बताओ क्या है कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज का दूसरा नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही बात होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या है, और ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जिस पॉइंट से उठकर चल रहा है ना, दिख रहा है आपको जिस पॉइंट से उठकर चल रहा है, ये कहलाएगी आपकी एफ नॉट। क्या कहलाएगी? इसे बोलते हैं थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? किसी को याद है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेटल के ऊपर एक कम से कम लाइट की फ्रीक्वेंसी कम से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाती है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, उसे हम बोलते हैं थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बताओ ग्राफ कहाँ से उठकर चल रहा है? फोर और फाइव के बीच में से चल रहा है, तो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई आपके पास में 4.5 × 10^14 हर्ट्स। ठीक है, फोर और फाइव के बीच में है 4.5 और इंटू 10^14 हर्ट्स। बोलिए, समझ आया नहीं आया? आपको निकालनी है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है बेटा एच एफ नॉट। क्या होता है? ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है। अब बताओ एच की वैल्यू क्या होगी? 6.6 × 10^-34। एफ नॉट की वैल्यू कितनी है? 4.5 × 10^14। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर बताना है तो इससे डिवाइड करेंगे, हमारी वर्क फंक्शन की वैल्यू निकल जाएगी यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बोलिए, समझ आया नहीं आया? तो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने बता दी। अरे बोलो यार, बताई है या नहीं बताई है? और दूसरा मैंने क्या बताया है? वर्क फंक्शन। और काहे में बताया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, मेरे पास में थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकल गई, मेरे पास में वर्क फंक्शन भी निकल गया। ठीक है, क्लियर है ना? अरे बोलो, अगर थ्रीशोल्ड वेवलेंथ निकालनी होती तो कैसे निकालते? थ्रीशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला होता लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन एफ नॉट। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है? 3 × 10^8। और एफ नॉट की वैल्यू क्या है? 4.5 × 10^14। ये निकल जाती थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्राफ को देखकर निकाली, वर्क फंक्शन थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी को देखकर निकाला, और थ्रीशोल्ड वेवलेंथ हमने इसे देखकर यहां से निकाली। ठीक है, हो गया, बढ़े आगे। अब चलिए नेक्स्ट। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक बार देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। वर्क फंक्शन आपको दे रखा है इतना सीजियम मेटल के लिए, लिख लेते हैं। वर्क फंक्शन हो गया हमारे पास में 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब बताओ लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? इतनी है लाइट की फ्रीक्वेंसी, बाहर से आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी है। अगर बाहर से आने वाली वेवलेंथ दे रखी है तो हम तब आंसर निकाल रहे थे 1240 / λ करके। लेकिन अगर हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, तो बाहर से आने वाली एनर्जी हमें बतानी पड़ेगी इस फॉर्मूले से, एच एफ से। कहाँ से बतानी पड़ेगी? और अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ई से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलिए, समझ आया नहीं आया? अरे बोलो, अब एच की वैल्यू क्या आया आपके पास में? 6.6 × 10^34। एफ की वैल्यू क्या है? 6 × 10^14। और ई की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10^19। लो भैया, ये निकल गया ई, ये निकल गया फाइव, निकल गया। मैं फिर कह रहा हूं कि कैलकुलेशन का काम है, सही कैलकुलेशन इस चैप्टर में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब आपको निकालनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आइंस्टीन के मुताबिक बाहर से आने वाली एनर्जी दो हिस्सों में टूट जाती है। भाई तुम्हारे पास में ये भी है, तुम्हारे पास में ये भी है, इसको इधर ले जाओ, काइनेटिक एनर्जी यहां से निकल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी से ई निकाल दो, क्या बन जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या निकल जाएगा? और मैक्सिमम स्पीड कैसे निकलेगी? वो जो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आएगी उसे किसके इक्वल रखोगे? हाफ mv² के। बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया या नहीं आ गया? क्या है क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट चीज क्या थी? कि सिर्फ हमें फ्रीक्वेंसी से बाहर से आने वाली एनर्जी निकालनी है। आप ये समझ लो कि बाहर से जो लाइट आती है, बाहर से जो फोटोन आता है, उसकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये भी है, बाहर से आने वाली लाइट की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये भी है, और बाहर से एनर्जी आने वाली एनर्जी का फॉर्मूला ये भी है।
ये फॉर्मूला ऑलरेडी नैनोमीटर में है, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड करना है तो ई से डिवाइड करना पड़ेगा। आगे समझ में? अरे बोलो भाई। तो बताओ इस क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्या दे रखा है आपको, एक बार पढ़ लीजिए आप। प्रॉब्लम के अंदर क्या गिवन दिया है आप लोगों को? फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दे रखी है। तो बताओ बाहर से आने वाली लाइट कितनी हो जाएगी? बोलो बाहर से आने वाली लाइट कितनी हो जाएगी? एच एफ तो जूल में, एच एफ कायम है, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ई से डिवाइड करेंगे। आगे समझ में? एच की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 6.6 × 10⁻³। एफ की वैल्यू है 7.21 × 10⁴, और ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹। आंसर निकलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई बाहर से आने वाली एनर्जी, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें? मैक्सिमम स्पीड हमें दे रखी है। ये मैक्सिमम स्पीड किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी होती है? काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। कैसे निकलेगी काइनेटिक एनर्जी बेटा? हाफ एम की वैल्यू 9 × 10⁻³⁶, और वी की वैल्यू 6 × 10⁵² ये आंसर कहाँ में निकलेगा, जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? और अगर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये भी निकल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बोलो समझ आया नहीं है? ये बाहर से आने वाली एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। अरे बोलो भाई। क्या चाहिए हमें यहाँ? तो पहले निकालेंगे वर्क फंक्शन। कैसे निकलेगा वर्क फंक्शन? ई इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को इधर लेकर जाएंगे, ई में से माइनस करेंगे, तो बताओ वर्क फंक्शन निकलेगा या नहीं निकलेगा? समझ में आ रही बात? और फिर उसे किसके इक्वल रख देंगे हम लोग? एच एफ नॉट के। किसके इक्वल रखेंगे? लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हुआ तो पहले जूल में कन्वर्ट कर लेना, तब रखना है आप। बोलो समझ आया नहीं आया? ये निकल जाएगा एफ नॉट, यानी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सवाल एक ही जैसे हैं, मतलब बहुत अलग नहीं है, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस वही कॉन्सेप्ट बार बार दोहरा रहा है आपके सामने, अलग अलग एंगल से आ रहा है। कॉन्सेप्ट एक ही है, अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, कैलकुलेशन सही करना बस। आगे ना सभी लोगों को समझ में? चलो ये है हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बेटा स्लोप दे रखा है हम लोगों को, इतना है स्लोप। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ध्यान से जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। वाई एक्सिस पर है वी नॉट, एक्स एक्सिस पर है फ्रीक्वेंसी। वी नॉट और फ्रीक्वेंसी में जो ग्राफ बनता है वो ये ग्राफ बनता है, और ये ब्लू लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है ये कहलाती है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो इतना इंटरसेप्ट है इसे हम बोलते हैं माइनस के फाई अपॉन ई। क्या बोलते हैं? माइनस के फाई अपॉन ई। समझ में आ रही बात? और यहाँ से जो एंगल बनता है टेन थीटा, इस टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप, और ये स्लोप हमारे पास में इक्वल रहता है एच अपॉन ई के, हमेशा ऑलवेज फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। स्लोप की वैल्यू एच अपॉन ई के इक्वल होगी। अब बताओ आपको क्या दे रखा है और क्या पूछा है आपसे? भाई मुंदरम उधर क्या चल रहा है, स्क्रीन विस्क्रीन लग रही है क्या, क्या सोच रहा है? स्लोप दे रखा है तुम्हें, कितना दे रखा है स्लोप? अरे बोलो भाई, ये तुम्हें स्लोप दे रखा है या नहीं दे रखा है? बताओ स्लोप की वैल्यू है या नहीं है? कितना दे दिया तुम्हें स्लोप? स्लोप तुम्हें दे दिया है 4.12 × 10⁻¹⁵, और स्लोप की वैल्यू है किसके इक्वल? एच अपॉन ई के इक्वल। यहां मैंने बताया आपको स्लोप एच अपॉन ई के इक्वल है, हमेशा स्लोप इसी के इक्वल होता है, फिक्स होता है बिल्कुल स्लोप। एच चाहिए आपको, क्या चाहिए? प्लैंक कांस्टेंट आपको चाहिए। कैसे निकलेगा प्लैंक कांस्टेंट? 4.12 × 10⁻¹⁵ ई की मल्टीप्लाई यहां कर दो, 1.6 × 10⁻¹⁹, और ये निकल जाएगा जूल सेकेंड। बोलो समझ आया नहीं आया, ठीक है। अरे बोलो भाई, सबको समझ में आ गया? मुस्कान तुम्हें, सेजल, ठीक है। स्लोप गिवन दे रखा है और स्लोप की वैल्यू एच अपॉन ई के इक्वल, एच निकल गया हमारा यहां से, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, पहले एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है? बताओ भाई, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है यार बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत ही ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? नहीं बताओ किसके किसके बीच का ग्राफ है, मुझे ये बता दो आप लोग। वाई एक्सिस पर कौन है? वी नॉट। और एक्स एक्सिस पर कौन है? फ्रीक्वेंसी। दो मेटल है, दो मेटल दोनों पैरेलल हैं या नहीं है? और दोनों के पैरेलल होने का मतलब यह है कि दोनों का स्लोप सेम है। दोनों का स्लोप कैसा है? क्योंकि स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, किसी भी ग्राफ के लिए स्लोप की वैल्यू बिल्कुल फिक्स रहती है। बताओ एक्स वाली मेटल के लिए थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.5 × 10^15। और वाई वाले मेटल के लिए थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 × 10^15। बोलो समझ में आया नहीं आया? अगर एक्स वाले मेटल के लिए थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है और वाई वाले के लिए थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी एक्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा और वाई के अंदर से थोड़ा देर में निकलेगा, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। समझ में आ रही बात? एक्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन का एमिशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा और वाई में थोड़ा देर में होगा, ज़्यादा एनर्जी उसके ऊपर डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। बोलिए समझ आया नहीं आया? अब देखो फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ दीज मेटल हैज़ लार्जर थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। बेटा वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ जिसकी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी थ्रीशोल्ड वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिजल्ट आता है। तो बताओ थ्रीशोल्ड वेवलेंथ लार्जर किसकी होगी? हम कहेंगे थ्रीशोल्ड वेवलेंथ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन थ्रीशोल्ड वेवलेंथ ऑफ वाई। बताओ फर्स्ट पार्ट समझ में आया नहीं आया? क्यों लिखा मैंने ऐसे? क्योंकि थ्रीशोल्ड वेवलेंथ थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आ गया ना समझ में? बी पार्ट पर आइए, एक्सप्लेन गिव रीजन विच मेटल गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन्स हैविंग लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फॉर द सेम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बहुत बहुत कॉमन सी बात है यार, एक बात तो बताओ, अगर इसकी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब यह है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कम एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी बचेगी वो सारी की सारी काइनेटिक में चली जाएगी, और इसे बाहर निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो बचेगी वो काइनेटिक में जाएगी। तो बताओ किसके पास ज्यादा एनर्जी बचेगी, इसके पास या इसके पास? अगर हम बाहर से सेम एनर्जी डालें, एक्स के पास ज्यादा एनर्जी बचेगी, वाई के पास कम बचेगी। नहीं समझे क्या? अगर बाहर से हम दोनों को 10-10 जूल दें, इसे इसका वर्क फंक्शन 2 जूल है, इसका वर्क फंक्शन 5 जूल है, 10 जूल हमने इसे दी, 2 जूल इसने खर्च कर दी बाहर निकलने में, 8 जूल की काइनेटिक एनर्जी इसके पास बची। इसे भी हमने 10 जूल दी, इसका वर्क फंक्शन 5 जूल है, इसके पास 5 जूल बची। तो हम ये कहेंगे कि सेम एनर्जी डालने पर एक्स वाले मेटल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और वाई वाले मेटल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। बताओ क्लियर है या नहीं? एनी डाउट? कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। ठीक, अब आते हैं थर्ड पार्ट में। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड मेटल एक्स इज हाफ, हाउ विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम इट चेंज गिव रीजन। देखो होता क्या, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर डिस्टेंस हमने आधी कर दी, इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सोचना तेरा थोड़ा सा, अगर मैंने आर को आधा कर दिया, आर को मैंने कम किया, बताओ इंटेंसिटी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? लेकिन सोचो, जब मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि लाइट के पास में दो दो वेपन होते हैं, एक इंटेंसिटी एक फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो डिस्टेंस को आधा करने से क्या बढ़ी? तो क्या इंटेंसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो सी वाले का आंसर रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात? एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक। लास्ट वाला क्या है? बिल्कुल वैसे ही, इस बार किसके ऊपर इफेक्ट बताना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। तो भैया इंटेंसिटी पर ही चेंज आएगा। देखो डिस्टेंस को इस बार हमने डबल कर दिया, अरे क्या डबल, तो डिस्टेंस को डबल कर दिया तो आर बढ़ गया, आर बढ़ गया तो इंटेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। इंटेंसिटी के कम होने से इलेक्ट्रॉन के नंबर्स कम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम होंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला,
स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पर फ्रीक्वेंसी की वजह से इफेक्ट पड़ता है, समझ में आ रही बात। और इंटेंसिटी इफेक्ट डालती है इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन पर और करंट के ऊपर, समझ में आ रही बात। तो सी और डी का आंसर सेम रहने वाला है, ना तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर फर्क पड़ेगा और ना फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो। ठीक है, समझ आ गई सभी लोगों को बात। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना अब आपसे। अभी अपने आप इसके चारों पॉइंट के आंसर ना अपनी कॉपी में लिख लेना बिल्कुल अच्छे से, जो मैंने आपको बताया सी और डी पॉइंट आप ध्यान रखना। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन ऐसा ही आ गया हमारे पास में, तीन पार्ट हैं इसके भी, तो बताओ खुद से कर लोगे या नहीं कर पाओगे इसे। ग्राफ दे रखा है आपको, क्या पूछा है फर्स्ट पॉइंट ये बता दीजिए आप हमें। विच ऑफ टू मेटल हैज हायर थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें तो कुछ भी नहीं पूछा, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है। किसकी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्यू की ज्यादा है, क्यू की है 6 × 10⁴, और पी की है 2 और 4 के बीच में, यानी 3 × 10⁴, समझ में आ रही बात। इस फ्रीक्वेंसी को वर्क फंक्शन में आप बदल सकते हो कैसे, H is equal to HF naught करके। ठीक है, दूसरा क्या है, सेम H की मल्टीप्लाई 6 × 10⁴ से करोगे तो इसका वर्क फंक्शन बन जाएगा, E से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाएगा, ऐसे ही इसका कर लोगे ना। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो बाहर से जो लाइट आ रही है वो इतनी आ रही है इतनी, तो बताओ बाहर से आने वाली लाइट की एनर्जी कितनी हो गई, 6.6 × 10⁻³⁴, ये काहे की वैल्यू है, H। बाहर से आने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 × 10⁴, और किससे डिवाइड करें, काहे में आया आंसर, ये बाहर से आने वाली लाइट है। बोलिए समझे या नहीं समझे, थोड़ा सा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मांगते हैं चैप्टर के अंदर, तो थोड़ी आप आदत डाल लीजिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने की, ठीक है ना, क्योंकि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मांगा जाता है प्रोबेबली। मान लो पी वाली मेटल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, तो बताओ P का वर्क फंक्शन कितना होगा, कैसे निकालेंगे P का वर्क फंक्शन, 6.6 × 10⁻³⁴, कितनी है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, 3 × 10⁴, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें इसे भी भाई, अगर ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होगा। क्या होता है फॉर्मूला मुझे ये बताओ, E is equal to 5 plus kinetic energy, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E - 5, ये P के लिए है, किसके लिए है। सिमिलरली तुम्हें इसी तरीके से Q का वर्क फंक्शन निकालना पड़ेगा, Q के लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो Q वाले की काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है पहले भी, और इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन, कभी कहो जी सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। समझ आ गई ना बात सभी लोगों को। चलो देखो बनाओ कंडीशन, क्या है सिचुएशन आपके पास में, बोलो। स्केच द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वाई एक्सिस पर रखना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट को और एक्स एक्सिस पर रखना है पोटेंशियल को, स्टॉपिंग पोटेंशियल को, ठीक है, फॉर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, F1 बड़ा है और F2 छोटा है, ठीक है, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो मैं आपको याद दिला देता हूं, अगर आपने पढ़ा हो तो, वाई एक्सिस पर है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एक्स एक्सिस पर है स्टॉपिंग पोटेंशियल, दो फ्रीक्वेंसी है बेटा आपके पास में। अरे है या नहीं है भाई, दो फ्रीक्वेंसी, बड़ी कौन सी फ्रीक्वेंसी है और छोटी कौन सी है, तो छोटे वाली फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ बन गया ये, और बड़े वाली फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ बन गया ये, ठीक है। जो करंट बनेगी, करंट ये इतनी करंट होगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए F1 वाले के लिए भी उतनी ही है और F2 वाले के लिए भी उतनी ही है, समझ में आ रही बात। अब बताओ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, बता दीजिए किसकी ज्यादा है, F1 की ज्यादा है, F2 की कम है, बताओ है या नहीं है, तो इसीलिए F1 वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, F2 वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा,
ऐसा ग्राफ हम लोगों को मिलेगा। करंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए आगे चलकर दोनों का ग्राफ मर्ज हो गया ना मर्ज, लेकिन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। ठीक है, पूरी कहानी सुनाई थी मैंने आप लोगों को भाई कैसे कैसे काम होता है, कौन सी चीज़ बढ़ेगी कौन सी चीज़ घटेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस तरीके से इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। फ्रीक्वेंसी याद रखना दो चीज़ों को इफेक्ट करेगी, किसे किसे, एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को और एक काइनेटिक एनर्जी को। और इंटेंसिटी किन्हें इफेक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन के एमिशन को और करंट को, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, चलो देखिए क्या है प्रॉब्लम। फोर, ए फोटो सेंसिटिव सरफेस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट, डज फोटो एमिशन अकर इफ द वेवलेंथ। अरे बहुत आसान सी बात है यार, अगर बाहर से आने वाली वेवलेंथ लैम्डा नॉट से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आ रही बात, अगर बाहर से आने वाली वेवलेंथ किससे ज़्यादा है, बाहर से आने वाली वेवलेंथ लैम्डा नॉट से ज़्यादा है, लैम्डा नॉट तो हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और बाहर से आने वाली वेवलेंथ हो गई लैम्डा, तो मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए शर्त क्या होती है, ई किससे बड़ा होना चाहिए, फाइ से, बाहर से आने वाली एनर्जी फाई से बड़ी होनी चाहिए। अब बताओ ई को हम क्या लिख सकते हैं, एस सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, और फाई को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट या एच एफ नॉट। एच से एस सी से एस सी क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो लैम्डा नॉट यहां लैम्डा यहां, तो क्या बनेगी कंडीशन, लैम्डा इज लेस देन ऑफ लैम्डा नॉट। बोलो बनेगी या नहीं बनेगी, यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए शर्त ये होती है बाहर से आने वाली जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। अरे आगे समझ में, लैम्डा नॉट इधर चला जाएगा ना तो लैम्डा नॉट ज़्यादा हो जाएगा और लैम्डा कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, देखो अब जो मैं जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, मतलब मैंने पीडीएफ में ना हर टाइप का क्वेश्चन डाला है, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं इसके अंदर से, बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए तो। ठीक है, अब आप देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो मैं अभी आपके सामने कह रहा था कि फ्रीक्वेंसी से दो चीज़ों पर असर पड़ता है, किन चीज़ों पर, एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर और एक काइनेटिक एनर्जी पर। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, वट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, बाहर से फोटोन्स का आना, मेटल पर पड़ना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये दो एक बेसिक सा इफेक्ट है, आपको लिखवा रखा है, आपको पता भी होना चाहिए। राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ई दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में। एक्सप्लेन हाउ इट एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द, अब तीन पॉइंट आपको दे रखे हैं, जरा समझने हैं आपको तीन पॉइंट। लीनियर डिपेंडेंस ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बताओ भैया काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है या नहीं करती है, बिल्कुल करती है, और कैसे करती है, लीनियरली डिपेंड करती है, कैसे, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बताओ समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है। Existence of a threshold frequency for a given photometer. अब threshold frequency आप पढ़ चुके हैं, क्या है threshold frequency, वो कम से कम frequency जो metal के अंदर से क्या निकाल दे, electron बाहर निकाल दे, वो हमारी threshold frequency है। अगर हमें electron का emission कराना है तो f की value किससे ज़्यादा होनी चाहिए, f नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ क्या है, electron की जो kinetic energy है वो directly proportional किसके है, फ्रीक्वेंसी के है। समझ में आ रही बात, ओके। इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड, बिल्कुल बताओ जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है क्या वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, क्या कहां पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इंटेंसिटी पर कौन डिपेंड करता है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का निकलना या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और वो भी तब तक जब तक एक सैचुरेशन कंडीशन ना आ जाए, सैचुरेशन कंडीशन से नीचे नीचे ही वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से उन छोटे मोटे सारे सवालों का जवाब मिल गया जो हम जिनकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। बोलिए, समझ आया नहीं आया? तो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है बहुत अच्छे से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आइंस्टीन की इक्वेशन क्या है, कौन किस पर डिपेंड करता है, किस पर नहीं करता है, ये सारे पॉइंट आपको लिख कर आने हैं। मतलब ये समझ लो कि इस पूरे क्वेश्चन में पूरा चैप्टर आ गया, पूरा चैप्टर ही इस क्वेश्चन के अंदर आ गया। ठीक है, क्लियर है ना? बताओ समझ आया नहीं आया? बस एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल करेंगे बाकी का। हाँ भैया, क्या है बताओ? डज द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड्स अप ऑन, बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर या इंटेंसिटी पर? फ्रीक्वेंसी पर। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। क्या इंटेंसिटी से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई असर पड़ेगा? नो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आंसर बताओ क्या होगा? द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन अ फोटो सेल, इंटेंसिटी से फर्क पड़ेगा? नहीं। किससे फर्क पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी से। बोलिए समझ आया नहीं आया? अरे बोलो भाई, समझ में आई इतनी सारी बातें? पीडीएफ आप लोगों को मिल चुकी है एक से लेकर यहाँ तक। अभी कुछ सवाल बच गए हमारे पास में, पता नहीं कितने बच रहे होंगे, क्योंकि अभी डी ब्रोगली का काम तो बचा हुआ ही है। ठीक है ना? और फिर मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी डाले हैं इसके अंदर, उन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितने भी सवाल बचे हुए हैं वो सब हम कल डिस्कस करने वाले हैं। कल कोशिश करेंगे कि ड्यूअल नेचर हमारा फिनिश हो जाए। ठीक है, आप इसकी थ्योरी पढ़िएगा अच्छे से, जो हमने आपको थ्योरी पढ़ा रखी है, और जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको कराए इन सबको एक बार ट्राई करिएगा अपने आप से करने की। ठीक है।